প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে পদকের বৃষ্টি, 29টি পদক জিতেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। কেউ সোনা জিতেছেন, কেউ আবার রুপো। প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে পদক জিতে তারা গর্বিত। পদক জয়ের পর নিজেদের মনের কথা জানালেন ভারতের প্যারালিম্পিয়ানরা। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अंतिम क्षणों में एक भारत को एक और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और काफ़ी खुशी हो रही है कि जब पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स जब बंद हुए, उनका समापन हुआ तो अंतिम जो राष्ट्रगान था वो भारत का बजा और काफ़ी अच्छा लगा कि हमने हमारी जो मेडल टैली पर पूर्ण विराम लगा वो एक गोल्ड से लगा है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है भारत की झोली में एक और गोल्ड डालकर और मेडल टैली को और ऊपर बढ़ाकर। मेरे को मेडल मिलेगा, मैं हैप्पी फील हो रहा है। मेरा एशियन गेम्स में मेरे को गोल्ड आया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड आया था। अभी दिस में फर्स्ट ओलंपिक में ब्रांज मेडल आया, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। कोई भी खिलाड़ी हो, मेरे ख्याल में उसका एक यही सपना होता है सबसे बड़ा कि भाई ओलंपिक में मेडल हो, और ये तो गोल्ड है तो सोने पे सुहागा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सालों की मेहनत थी, जो सपना देखा था 2012 में जब आर्चरी शुरू करी, वो आज पूरा हुआ पेरिस पैरालंपिक्स में। इससे पहले भी ब्रॉन्ज जीत चुका था लेकिन गोल्ड का मजा ही अलग है, तो वो सपना आज पूरा हुआ। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पोडियम फिनिश कर पाया, मुझे सिल्वर मेडल मिला, बहुत आनंद हो रहा है। जैसे स्टार्ट किया था, जिसके लिए स्टार्ट किया था, मतलब मैंने स्टार्ट पैरा में इसी के वजह से किया था कि हमारे देवेंद्र भाई साहब हैं, उनको मैंने पढ़ा था कि ऐसे ऐसे करके एक 46 कैटेगरी के, और मेरा भी कैटेगरी वही बनता है, तब मैंने सोचा था कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और उसका फल मुझे आज मिला है, और मैं मतलब आज गुरु दक्षिणा दे पाया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मतलब पूरा इंडिया का प्यार है। मेरे को बहुत अच्छा भी लगा, थोड़ा नर्वस भी था, जो मेडल मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, पर नेक्स्ट टाइम 2028 के ओलंपिक में जो US में हो रहा है उसमें ट्राई करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे, गोल्ड आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 29 मेडल जीते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस मिशन में जितने भी लोग शामिल थे, सबसे बड़ा मिशन में हमारे खिलाड़ी थे, ये जाबाज थे, इन्होंने इतिहास बनाया। इनके कोचेज को मैं बधाई देता हूँ, और मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि पैरा खिलाड़ियों को उन्होंने इतना हौसला बढ़ाया। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।